हेलो फ्रेंड्स मैं नितेश कुमार आपका आपके चैनल इन्वेस्ट फोर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं देखिए हम यहां पर बात करने वाले एक स्टॉक से रिलेटेड जिसका नाम है कावेरी सीड्स कंपनी लिमिटेड बहुत अच्छे वैल्यूएशन पर मुझे यहां पर नजर आता है बहुत बेहतरीन यहां पर शेयर नजर आता है अगर मैं बात करूँ मैंने इससे रिलेटेड पहले ही वीडियो बनाई थी जब ये पांच के आसपास या छह के आसपास स्टॉक्स था तब मैंने वीडियो बनाई थी उस टाइम यहाँ पर एग्जिट करना पड़ा था पोजीशन क्यों क्योंकि क्यों यहाँ पर मार्केट में भी गिरावट हो रही थी और इसमें भी एक साथ गिरावट होती हुई नजर आई थी तो यहाँ पर एग्जिट कर ली थी बट अगेन यहाँ पर शेयर और बेहतरीन अच्छे लेवल पर आ गया है और बहुत अच्छा यहाँ पर नजर आता है तो उसी से रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं दोबारा ओके okay, क्यों यहाँ पर अच्छा नजर आता है उससे रिलेटेड बातें करेंगे सब कुछ यहाँ पर समझेंगे बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा इन्वेस्ट फॉर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को हिट कर लीजिए ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो पहुंचती रहे क्योंकि काफी लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है बेल आइकन को हिट नहीं कर रखा और काफी लोग वीडियोस देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते तो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर करें एज वेल एज यहाँ पर दूसरा चैनल है उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए दूसरी वीडियो यहाँ पर डेली बेसिस पर बनाई जाती है अगर मैं यहाँ पर आपको थोड़ी सी हिंट दे दूँ हमारे काम से रिलेटेड पांच परसेंट अप है आज ओके यहाँ पर मैंने आपको एशियन ग्राइट को बताया था छह परसेंट अप है ओके मैंने यहाँ पर पॉलीप्लेक्स बताया था कुछ दिन लगेंगे बट ये शेयर सबसे ज्यादा भागता हुआ नजर आएगा ये स्टॉक्स अभी कंसोलिडेशन मोड पे है एज वेल एज मैंने आपको तो आर के फोर्जिंग बताया था लगभग चार परसेंट एस बी का दो परसेंट असैलिया सॉल्यूशन यहाँ पर भागता हुआ एक आध परसेंट भाग है बच्चे नई पेट्रोल की बात करूँ तो यहाँ पर थोड़ा सा चार गिरता हुआ नजर आया है ये मौका है ओके तो मैंने और शेयर यहाँ पर एड किए इसके तो हम कावेरी सीट से रिलेटेड बातें करने वाले जानेंगे और आप चाहे तो हमें यहाँ पर इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं अपना फाइनेंशियल कोई स्टॉक्स लेना है कब लेना है कैसे लेना है इन्वेस्टिंग किसी भी तरीके की इशू के लिए आप हमें यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं आ, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैंने आज यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर चार्ज डाले हैं ट्विटर पे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तो एक बार जाके एक बार देख लीजिए कावेरी सीड्स का भी मैंने मॉर्निंग में ही डाल दिया था एम का यहाँ पर डाला है सबसे रिलेटेड वीडियोज आएंगी बट चार्ट डालना पहले यहाँ पर जरूरी रहता है ताकि आपको पता चले आप यहाँ पर पहले से ही आ, हो जाए शुरू की यहाँ आज के दिन क्या आने वाला है एग्जैक्टली तो वो आपके माइंड में रहना चाहिए तो हम यहाँ पर बात करें ऐसे आ, कावेरी सीड्स की तो कावेरी सीर्स को हमने यहाँ पर बताया था बट यहाँ पर जो हमारा टेक्निकल था उसके बेसिस पे यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ रहा था तो यहाँ पर फिर मैंने एग्जिट कर दी थी यहाँ पर पोजिशन इसके बाद कावेरी सीर्स की बात करें तो एक अच्छी खासी गिरावट ऑलरेडी हो गई है अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लगभग ये शेयर कितना लगभग बीस इक्कीस परसेंट के आसपास तेईस परसेंट के आसपास ये शेयर यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ रहा है कावेरी सीड्स की बात करें तो कावेरी सीड्स इंगेज इन द रिसर्च प्रोडक्शन प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ वेरियस हाई क्वालिटी हाइब्रिड सीड्स से रिलेटेड ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है ओके और आपको पता ही है भारत एक कृषि प्रधान देश है तो ऑब्वियसली बात है ये सीड्स अः का यूज होना ही है इसके अलावा लीडिंग सीड्स मैनुफैक्चर मैन्युफेक्चर ऑफ इंडिया यहाँ पर नजर आता है की इनकॉपरेटिंग विद

आप काम करता हुआ नजर आएगा और बहुत जल, बहुत कम टाइम में आपको एक अच्छा खासा यहाँ पर पैसा बनता हुआ नजर आ सकता है तो उससे रिलेटेड भी यहाँ पर एक रिपोर्ट आई थी तो उसे यहाँ पर देख लीजिएगा मुझे मिलेगी मैं बता दूंगा बट स्टिल यहाँ पर थर्टी परसेंट का यहाँ पर अपसाइड सीधे नजर आती है तो प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स की बात करें तो कंपनी यहाँ पर फील्ड

बाजरा एंड वीट, ओके ये सारे के सारे सीड्स भी एक पर्टिकुलर कंपनी बनाती है तो कंपनी की बात करें एक अच्छी कंपनी है एक बेहतरीन कंपनी है एक बड़ी कंपनी है सब कुछ अच्छा नजर आता है वन लाख ,00 प्लस लोअल प्रोडक्शन ग्रो uh, ग्रोवर्स एक्रोस ट्वेल्व डिफरेंट एग्रो क्लाइमेट जोन में ये कंपनी काम करती है

तो यहाँ पर फाइनेंशियल अगर आप देखेंगे देखिए स्मॉल कैप कंपनी है ओके स्मॉल कैप कंपनी का चार्ट हमेशा आपको इसी तरीके से दिखेगा देखिए शेयर ऊपर था फिर नीचे आया फिर ऊपर गया फिर नीचे आता हुआ दिखाई दिया तो इसी तरीके से चीजें काम करती हुई नजर आती है बट लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्ट से हिसाब से देखेंगे तो एक अच्छा खासा शेयर भाग गया और 2015 में इसने अपना वन थाउजेंड रुपीज का लेवल यहाँ पर क्रॉस किया था ओके okay, इस चीज को भी हमें याद पर याद रखना है टेन के पी पे यहाँ पर शेयर चल रहा है इंडस्ट्री का पी की बात करें तो यहाँ पर 25 का है तो कहीं ना कहीं कम नजर आता है डेट फ्री शेयर है ओके सारे के सारे पॉजिटिव पॉइंट है आर ओ सी आर ओ और सिक्सटीन परसेंट के आसपास है दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट एज वेल एज बात करें रेशो ठीक ठाक है प्रॉफिट और यहाँ पर पांच साल की जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी यहाँ पर कम होती हुई नजर आ रही है ये एक बात है फेस वैल्यू दो, दो की है ओके बुक वैल्यू से ऊपर शेयर चल रहा है इंटरनसिक वैल्यू की बात करें सिक्स फिफ्टी फोर का है और इंटरनसिक वैल्यू तक भी शेयर पहुंचता है तो अच्छे खासे रिटर्न आपको मिलते हुए नजर आते हैं कंपनी की बात करें रिजल्ट से रिलेटेड तो यहाँ पर रिजल्ट देख लीजिए कंपनी के तो कंपनी के आप रिजल्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सेल्स देखिए लगातार बीच बीच में कभी कभी ना यहाँ पर क्या हो रहा है इसी यही थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा खटक रहा है कि यहाँ पर देखिए सेल्स ज्यादा फिर कम फिर यहाँ पर ज्यादा फिर थोड़ी सी कम फिर ज्यादा फिर कम और फिर एक साथ ही यहाँ पर सेल्स ज्यादा होती हुई दिखाई दे रही है तो इसी वजह से शेयर यहाँ पर ऊपर नीचे करता हुआ नजर आता है तो अगर हम यहाँ पर बात करें इस पर्टिकुलर शेयर की तो यहाँ पर देखिए हाइएस्ट एफ यहाँ पर सेल्स आई है इस बार की ओके इस जून ट्वेंटी को छोड़ दे दो और एज वेल एज बात करें कंपनी का प्रॉफिट 240 फोर्टी करोड़ के आसपास आया जो कि क्वार्टरली ओके okay, और ईयरली दोनों बेसिस पे यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर नजर आता है तो कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रही है कंपनी के मार्जिन अच्छे खासे हैं यहाँ पर थर्टी थ्री परसेंट के मार्जिन है जो कि ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे अच्छा खासा है इसके अलावा कंपनी की जो से सेल्स है ईयरली बेसिस पे वो भी यहाँ पर देख सकते हैं कि लगातार सेल्स बढ़ी है ओके okay, बट उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं है इस चीज को भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा बस शेयर टेक्निकल बेसिस पे अच्छा नजर आता है फंडामेंटल बेसिस पे अच्छा नजर आता है तो इसलिए यहाँ पर शेयर को बताया जा रहा है सेल्स की बात करें तो इली बेसिस पे सेल्स हम देख चुके हैं प्रॉफिट भी देख चुके हैं कंपनी पर हाईएस्ट प्रॉफिट पे चल रही दिखाई दे रही है अगर हम यहाँ पर चार्ट पर जाते हैं तो 2000 जैसे कि हमने देखा था 2015 में पर 1000 पंद्रह के लेवल पर ये शेयर चल रहा था ओके okay, और यहाँ पर हम बात करें दो हजार पंद्रह सोलह में यहाँ पर ले लेते हैं तो तीन करोड़ का प्रॉफिट था उसके हिसाब से यहाँ पर कम है अभी भी एज वेल एज मार्जिन अट्ठाइस के आसपास था ओके okay, मार्जिन तो बीच में आता जाता रहता है वो तो आता आ गया है तो हम बात करें कंपनी का ईपीएस भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है सब कुछ अच्छा खासा है शायद यहाँ पर दोबारा अगर एक आध दो क्वार्टर लगातार अच्छे खासी यहाँ पर सेल्स दिखाता है ओके अच्छा खासा रेवेन्यू दिखाता है नेट प्रॉफिट दिखाता है तो यहाँ पर शायद ये शेयर और अच्छा खासा चल सकता है रिजर्व्स की बात करें कंपनी के रिजर्व्स लगातार बढ़े हैं ये एक पॉजिटिव पॉइंट्स है ओके okay, स्प्लिट की बात करें दो के वैल्यू पे चल रही है बाईबैक भी कंपनी अभी लाई थी मार्च में ही आठ सौ रुपए का के हिसाब से शेयर लिए थे शेयर चार सौ रुपए के आसपास चल रहे हैं तो याद रखिये कोई कंपनी बेवकूफ नहीं है कि वो यहाँ पर बाईबैक लेगी आठ सौ के हिसाब से और आपको आ, आ, और शेयर नीचे आ जाएगा तो शेयर को ऊपर जाना ही है इस चीज को भी यहाँ पर याद रखिएगा डिविडेंड कंपनी ने लगातार अच्छा डिविडेंड दे रही है अगस्त में भी चार रुपए का डिविडेंड दिया है बाईबैक और बार बार यहाँ पर लाई है छह सौ पचहत्तर पे

और पब्लिक की बात करें पब्लिक की होल्डिंग लगभग पंद्रह परसेंट के आसपास है सोलह परसेंट के जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं तो अब बात करें यहाँ पर कावेरी सीड्स के चार्ट से रिलेटेड तो यहाँ पर चार्ट मुझे काफी बेहतरीन नजर आता है यहाँ पर अगर हम बात करें दो के कम्पेरिजन में तो यहाँ पर आप देखिए एक चैनल बनता हुआ नजर आ रहा है एक ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है और मैंने हमेशा देखा है और हमेशा बताया भी है कि जब भी इस तरीके का ट्रायंगल बनता है ओके okay, जब भी इस तरीके का ट्राइंगल बनता है तब एक तेजी होती हुई नजर आती है अगर इस ट्राइंगल के ऊपर चला जाता हुआ दिखाई देता है तो एक अभी तो ये चैनल है ओके okay, फॉलोइंग चैनल किसे कहते हैं तो एक दो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर काउंट किया जाता है ये यहाँ से होगा कि इसे यहाँ से ऊपर जाएगा ओके okay, ऊपर जाके ये इसे इस चैनल को क्रॉस करेगा और सीधे ऊपर जाता हुआ नजर आएगा तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है आपको सीधे अगर यहाँ से क्रॉस करता है तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर छे रुपए के टारगेट आएंगे फिर छह रुपए के टारगेट आएंगे और फिर चीजें यहाँ रुकने नहीं वाली एक बार भागेगी तो यहाँ पर अच्छे खासे टारगेट सेवेंटी टू एटी परसेंट के यहाँ पर रिटर्न्स आपको मिलते हुए नजर आएंगे एज वेल एज कंपनी का परफॉर्मेंस ऐसा नहीं है कि इतनी इतना बेकार होगी यहाँ पर आता हुआ शेयर दिखाई दे रहा है इस पर्टिकुलर लेवल पर ओके okay, जब यहाँ पर रिजल्ट थे जहाँ पर और यहाँ पर के रिजल्ट की कंपेरिजन करूँ तो यहाँ का रिजल्ट अच्छा आया है तो चीजें भागती हुई नजर आएगी ओके okay, यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है यहाँ पर एक कंसोलिडेशन मोड पे पर दिखाई दे रहा है आरएसआई की बात करूं तो आरएसआई भी बता रही है कि भाई ओवर बोर्ड जॉब में चल रहा है तेतीस के आरएसआई एस उनतीस के आरएसआई पे चल रहा है यहां से केवल ऊपर जाना है और नीचे आना नहीं है तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा कमेंट करिएगा शेयर करिएगा बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करे बस ये है जो वैल्यू बाइंग जिसे कहते हैं वो एक वैल्यू बाइंग यहाँ पर नजर आती है सो थैंक यू मच गॉड ब्लेस